राधे राधे दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ राजस्थान की फेमस घूघरी। इसके लिए मैंने लिया बाजरा जो मैंने रात में भिगो दिया था। अब मैंने 3-4 बार इसको अच्छे से धो लिया है। अब मैं लूँगी कुकर और कुकर में इस बाजरे को डाल दूँगी। बाजरा डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी नमक, पानी। अब मैं कुकर गैस पर चढ़ा दिया। अब कुकर को मैं बंद करके इस पर 4 सीटियाँ लगवा दूँगी। मैंने कुकर सीटी मार दिया। अब मैं 4 सीटी मारने के बाद इसको ठल्टा करके खोल लूँगी। और खोलने के बाद देखिए मेरी घूघरी बल के तैयार हो चुकी, जो देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी उतनी टेस्टी लगती है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी। इस पर डाल दिया तेल, जीरा, थोड़ी सी राई, कटी हुई प्याज बारीक बारीक, हरी मिर्ची, और इनको अच्छे से चला लूँगी। चलाने के बाद मैं इसमें डालूँगी कटे हुए आलू जो मैंने पहले से ही काट के तैयार कर रखे। अब मैं डालूँगी इसमें टमाटर और इनको अच्छे से मिला लूँगी। मिलाने के बाद मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और थोड़ी सी हींग जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देगी। थोड़ा सा डालूँगी पानी, फिर मैं इसको 2 मिनट के लिए ढक दूँगी। 2 मिनट बाद में इसको उगाड़ के देखते हैं, ये आलू पक के तैयार हो चुके और इन्होंने अपना मसाला अच्छे से पक गया मेरा। इसमें अब मैं इसमें डाल दूँगी ये घूघरी जो मैंने उबाली थी। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी और इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा धनिया। अभी हमारी राजस्थान की सालदार घूघरी बन के तैयार हो चुकी चटपटी। अब ये सर्व के लिए तैयार है। अब मैं इसमें नींबू निचोड़ूंगी जो इसके स्वाद को और 100 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। और ये दूसरी कटोरी में ली है मैंने सिंपल, जिस पे मैंने डाल दिया है बूरा घी। और ये बनके अब तैयार है। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइबर जरूर कीजिए।